हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमु ऑन ब्लॉग। तो भाई सुबह का टाइम है, बजे हुए हैं 10:30 और मैं अपने ब्लॉग का जो स्टार्ट कर रही हूँ वो आज किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे काफी बार ऐसा ही होता है, मैं अपना ब्लॉग किचन से स्टार्ट करती हूँ। तो फिलहाल मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और बना रही हूँ बीन्स की सब्जी बना रही हूँ मैं, और ये मैं खाली लहसुन में थोड़ा सा इसको छौंक लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज सुबह 9 बजे से केशव की बीटीएम थी और मैं जो है टाइम स्लॉट जो है मुझे थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। मुझे लगा 10 बजे से है जबकि रोल नंबर के हिसाब से थी, तो मुझे जल्दी जल्दी बस पीटीएम के लिए भागना पड़ा। तो आज उसका रिजल्ट आया है जो कि उम्मीद थी उससे अच्छा ही आया है, तो इसलिए केशव भी खुश है और मैं भी खुश हूँ और उसके पापा भी खुश हैं। तो इसी खुशी में आज हम जाएंगे शाम को बाहर और कहाँ जाने वाले हैं ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आज केशव की मैम ने रिजल्ट की खुशी में चॉकलेट दी है, तो ये तो बड़ा खुश है, बड़ा डांस कर रहा है आज। फ्रूट एंड लटकी पर तुझे पसंद नहीं है? पर तुझे पसंद नहीं है, लेकिन इस बार लेकिन रिजल्ट की खुशी है। तो जैकेट पहन ले, अब चलना नहीं है, चलो। और ये है हमारे कोको का नया घर, कितनी अच्छी आउट है ना। इसमें कोको तो कम सोता है और केशव ज्यादा सोता है। कोको तो बेचारा कभी कभी जाता है इसमें, ये ही चाह रहता है अपना ब्लैंकेट लेके। ये देखो भाई, बेचारा कोको नहीं है तो तू कोको की जगह इसमें घुसेगा। मैं कोको के घर पे कब जा, सुबह आके बताएगा तुझे, हम भी बताएंगे। अच्छा, वैसे अच्छी है केशव, छोटी सी हट, आजा बाहर, आजा आ जाओ, वेरी गुड। काफी मुश्किल है यहाँ से निकलना। हाँ तू तो रेडी है ना? ये टोपा उड़ना है या वो लेना है, क्या चाहिए? गोप्रो चाहिए, तो गोप्रो यूज करें और मैं अपना फोन यूज करूँ। है मेरा है। अच्छा, अरे चलो 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 गाड़ी आ गई। अभी हम हैं इंडिया गेट के रास्ते पर। हमारे घर से जो इंडिया गेट का रास्ता है ना वो सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन आज हमने क्या किया कि हम रास्ता भूल गए। हम रास्ता भूले नहीं, हम पापा भूल गए कि कहाँ जाना है। हाँ, मतलब हम घर से चले गए थे हमें इंडिया गेट जाना है, लेकिन ये ले आए हमें सीपी, और सीपी में आके कह रहे हैं कि हमें जाना कहाँ था, हमने कहा हमें इंडिया गेट जाना था, तुमने सीपी की तरफ मोड़ दिया है। तो फिलहाल हमने अभी मैप लगाया है ताकि हम सीधे पहुंच जाएं, वरना फिर से एक आधा हमने एक और चक्कर गलत ले लिया ना तो हमें फिर से 6-7 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ेगा। तो अभी हम बस 3 किलोमीटर है यहाँ से, सीधे हम पहुंचेंगे इंडिया गेट। वहां पे कुछ लाइट म्यूजिक शो का कुछ ऐसा चल रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं है पक्का, अब जाके पता चलेगा। म्यूजिक शो से चल रहा है? हाँ, कुछ है विजय पर्व जैसा कुछ है। बाइक में चला सकते हैं? हो सकता है, देखो क्या मैं। केशव अपनी ठंड का पूरा इंतजाम करके आया आज, मतलब ये मैंने लगाया था ये, और केशव ने इतनी जल्दी छीन के लगाया। मैं अपना टोपा लेके आई हूँ, तो गर्मी लग रही है। रहने दे। सुबह इंडिया गेट तो हम पहुँच गए, लेकिन हमारा बड़ा वाला पोपट हो गया है क्योंकि इंडिया गेट बंद हो गया है। हमें पहुंचते पहुंचते 7 बज गए हैं, चारों तरफ से इंडिया गेट बंद है, अभी हर जगह पुलिस तैनात है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, पार्किंग भी नहीं है कहीं, तो आज तो बेकार में आना जाना हो गया। ये यहाँ चारों तरफ हर तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं, कहीं से भी एंट्री नहीं है। अभी हमने एक राउंड तो लगा लिया, अभी दूसरा राउंड लगा के आ रहे हैं हम, क्या पता कहीं पैदल जाने का रास्ता मिल जाए। अभी केशव खा रहे हैं अभी बर्गर, कोई तो सॉस ले लो, खट्टा मीठा सॉस ले लो ना। दोनों डालो भाई, केशव टेस्ट करके बता कैसा है। कुछ ज्यादा गर्म हो गया है। तुम्हें गोलगप्पे खाना है? तुम्हें गोलगप्पे खाना है? एक या दो, और एक या दो केशव खाएगा और एक दो मैं खाऊंगा। नहीं, कितने खाएगा? चल जितने खाए ठीक है, पहले अपना बर्गर तो खत्म कर। तो भाई अभी हम आ रहे हैं इंडिया गेट से, सब ये हमारा पड़ोस में है, कौन सा है, इनका चाट बन रहा है, बचपन से खाते, बहुत दिनों से खा रहे यहाँ पे, तो एक बार फिर से हम यहाँ का मजा ले रहे हैं। है? बस वो नहीं पता, अभी बर्गर तो खत्म हुआ नहीं है, लेकिन गोलगप्पे की पहले पड़ी हुई है, गोलगप्पे खाने के लिए रुक जाओ, हम खाते हैं तब तक। खुलाओ भैया, कुछ भी खा पर गोलगप्पे की बात ही अलग है।
जल्दी आ जा। अच्छा था भैया, पतले वाले दे रहे हैं मुंह के हिसाब से। सही में हमें ज्यादा बड़े दिए थे। और मुंह बड़ा मुंह खोल, बड़ा मुंह धीरे खा, धीरे खा, धीरे खा। अच्छा गोलगप्पे, अब तो अपने दोस्तों को लेके आएगा यहाँ, वो जो तेरे साइकिल चलाने वाले हैं। अच्छा फिलहाल हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, ठंड बहुत ज्यादा है पर आइसक्रीम जरूर खाएंगे। मुझे तो एसिडिटी और हो जाएगी, आइसक्रीम से ठीक तो होगी थोड़ी बहुत। कप वाली हो रही है, 50 का है। कप वाला यहाँ भी तुझे ओरियो ही खाना है, हैं? ओरियो बिस्किट, ओरियो केक, ओरियो 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 पता है। हाँ छोटा नहीं है इस पे, ये छोटा ही है ना, फिर तो ये ठीक है। ये कौन सा है? ये भी बटर स्कॉच। जितनी छोटी होती है जल्दी खोल के खाना शुरू। वहाँ क्या देख रहा है तू, है अपनी आइसक्रीम को चुपके चुपके खा रहा है कि कोई ले ना ले, है ना? बड़ी महंगी है, तेरी बड़ी महंगी है। अच्छा हो तेरी चाल। केशव की आइसक्रीम छीन जा चुकी है, एक स्पून में लूंगा। मैंने दिलाई है, मेरे देने से रो रहा है। बहुत ज्यादा ले लिया। आइसक्रीम के पीछे लड़ाई, अबे रुक जा, बस आइसक्रीम की लड़ाई नहीं करनी है, अपनी अपनी खा चुके सब। बस कैसी है दिखाना जल्दी जल्दी, इससे पहले मुझे दिखा दो ना क्या आइसक्रीम इसकी टेस्ट करा के। यार आइसक्रीम के पीछे कौन लड़ाई करता है? आपने नहीं दिया अपने। केसु सड़क पे खड़ा हुआ खा रहा है इसलिए, तुम एक बार मेरी छीन लेना। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।